खमा गणकम, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्टल का बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारा यूनिक सा कलेक्शन। अपने पास जो डेली में चलती है ना ये कटिंग वाली बैंगल्स, ये अपने पास पूरे कलर आए इस बार, जो हमेशा मेरे पास कलर 5-6 ही चलते हैं। मतलब मैं इतने ही कलर लाती, बट ये वाला कलर और रेड कलर मैं इस बार लेके आई हूँ, क्योंकि ये वाला जो कलर है ना, इनके कलर की तो गारंटी नहीं होती है, बट ये बहुत क्लासिक सा कलर है, बहुत सबसे फेवरेट लेडीज़ का यही कलर होता ना, तो इस बार मैं ये कलर भी लेके आई हूँ। देखो कलर फैट होने की इसमें शिकायत रहती है, बट कलर फैट भी हो जाए ना तो अपन यहाँ नेल पेंट लगा के इनको अलग अलग कलर्स का मतलब शेप दे सकते हैं, कोई भी कलर इनका बना सकते हैं। रेड कलर के अगर आप नेल पेंट लगाओगे ना सेंटर में, तो आपका रेड कलर बैंगल्स हो जाएगा, पूरा रेड रेड दिखेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कलर फैट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हैं। बाकी ये कलर बहुत यूनिक है, देखो निकल भी सकता है नहीं भी निकल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अपने पास जो जो कलर आया ना, ये सारे कलर आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कलर आए हैं, और जो अपना प्यारा सा कलर आया है 10वां ये आया है, इसमें कटिंग नहीं है पर रेट सेम है, ठीक है। इसमें अपने पास दूसरा जो एक सेम इसी टाइप का कलर मैंने परसों दिखाया था, वो मैं अंदर से लेके नहीं आई, वो भी कलर मिल जाएगा, मैं स्टेटस में डाल दूंगी, जिनको भी लेना है देखना है तो वो भी कलर देख लीजिएगा। मैंने एक स्टेटस डाला था ये वाले कड़े का, इसके साथ जो कलर थे ना, मतलब कलर था ना दूसरा, एक वाला नीला सा कलर, सेम इसी की चूड़ियाँ भी मिल, ये तो चूड़ियाँ इसी की है, बट उस कड़े की चूड़ियाँ भी सेम मैचिंग में मिल जाएगी। मैं भूल गई उससे बॉक्स लाना, ठीक है। तो आपको हर एक ही वाले कलर मिल जाएंगे, जिनको भी लेना है स्क्रीन पे जो नंबर है वही मेरे ऑर्डर प्लेस नंबर है, अपना लाइट बेबी पिंक, बहुत प्यारा है ये भी कटिंग में, मतलब पक्की वाली चूड़ियाँ हैं, कच्ची नहीं है कि भाई टूट जाएगी वो ये वो, ठीक है। एक अपना सी ग्रीन रामा कलर, ये भी बहुत प्यारा कलर है, देखिए एकदम मतलब जैसे एकदम क्या बोलूँ मैं, एकदम साफ पानी सा नहीं होता वो वाला, देखिए कटिंग भी बहुत प्यारी आई है इस बार, इसकी सिर्फ 200 में रहेगी आपको ये चार जोड़ी। एक येलो कलर, इस बार बहुत साफ पानी आया, बहुत फिनिशिंग के साथ आई है ये वाली बैंगल्स, मतलब बारीक कटिंग आई है ना, तो मतलब जोड़ी बहुत ही मतलब मतलब आगे अपन देखें ना तो ऐसे चमकती है जैसे कुछ रेमबो तो नहीं, ऐसे मतलब जैसे देखो दिख रही है आपको। एक है अपना ग्रीन कलर, ये भी 200, इसकी कटिंग इस बार छोटी छोटी आई है, तो छोटी कटिंग में इसकी शाइनिंग बहुत सुंदर लग रही है। एक अपना सर्फ कलर, ये भी बहुत ही प्यारी है। एक अपना वाइन कलर, ठीक है। एक है अपना रेड कलर, सबसे लेडीज का फेवरेट कलर। एक अपना व्हाइट कलर, जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है ना तो वो आप ये ज़रूर पहनिए, क्योंकि व्हाइट कलर शांति का प्रतीक होता है, अपन व्हाइट कलर पहनते हैं ना तो अपना गुस्सा जो है थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है, ठीक है। एक अपनी ये चूड़ी और कंगन दोनों आए हैं, तो आप चूड़ी भी ले सकते हो इसके साथ कि भाई मुझे चूड़ी और कंगन दोनों पहनना है, और जो मैंने कल स्टेटस पे डाला था, मैंने 2 दिन पहले वीडियो भी डाला था, इसके साथ जो कड़ा था ना उसकी सेम चूड़ी और कंगन भी मिल जाएगा। जिनको लेना है तो बता दीजिएगा मुझे, इसके साथ वाला चूड़ी कंगन भी दिखा दीजिए, तो वो भी दिखा दूंगी मैं अंदर से लेके नहीं आई, पूरा अभी सेल चल रही है ना राखी की, तो पूरा दुकान में इतना बिखेरा पड़ा है तो मैं अंदर भी नहीं जा सकती, ठीक है। ये भी 200 है, देखो 200 की तो चार ये रहेगी और 200 की ये वाले कड़े रहेंगे। बाकी क्रिस्टल में भी अपना पूरा फुल स्टॉक आ गया है, ग्रीन मेरे पास नहीं था, रेड भी नहीं था, ठीक है। तो ग्रीन रेड जिनको भी लेना है ना तो वापस मेरे पास रीस्टॉक आ गया है, आप ले सकते हो। मल्टी में भी मेरे पास साइज कट थी, जिनको लेना है वो ले लीजिएगा। देखो टोटल कलर है ये, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ना आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि भाई मुझे कौन से कलर चाहिए। बहुत ही मतलब बहुत साफ आने वाला कलर आया इस बार, बहुत बहुत फिनिशिंग के साथ आया है। ये भी मेरे पास कल मैंने 10-10 बॉक्स ही आए थे, खाली हो गए, इसमें भी रीस्टॉक आ गया है और इसमें भी रीस्टॉक आ गया है। जिन्होंने नहीं लिया है नहीं देखा है तो आप कलर देख लीजिए, ये वाले कलर हैं टोटल। ये भी देखो ये 160 की 4 है, ठीक है। कलर आपको रेड येलो, फिर अपना स्काई ब्लू, अपना रबड़ी कलर, ये ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, रानी पिंक, रानी कलर, और ये एक अपना कौन सा कलर बोलूँ मैं इसको, पिस्ता कलर, ठीक है। फिर इसमें भी आपको सारे, इसमें अलग थोड़े डिफरेंट कलर मिलेंगे, देखो ये वाला इसमें कलर अलग है,
ये रबड़ी वाला कलर अलग है, एक ये वाला कलर अलग है। बाकी आपको थोड़े थोड़े समथिंग मैचिंग मिलेंगे, ठीक है। और एक अपने वाइट कलर है, हर एक साइज़ में नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें किसी किसी में वाइट आया है, किसी में नहीं। जो पहले मेरे पास आया था ना 2 दिन पहले, उसमें वाइट नहीं आए थे। इस बार भी किसी में वाइट है, किसी में नहीं। अपना वाइट है, अपना बेबी पिंक कलर है, फिर ग्रीन है, येलो है, ये रेड है, सॉरी रेड कलर है, ये हैरानी कलर अपना, ठीक है। ये पिंक कलर, ये रबड़ी कलर और ये ग्रीन कलर। साइज़ 24, 26, 28। जिनका साइज़ 210 है तो सॉरी भाई, 210 वालों के लिए 210 का साइज़ नहीं है, लास्ट 28 तक साइज़ है इनका भी, ठीक है। अपना ये भी 200 है, ये भी अपनी 200 वाली, ये 160 वाली। ये अपनी आपके लिए बहुत खुशखबरी वाला तोहफा है, ये 100 की हो गई है, 100 की कर दी है। ये भी 100, ये भी 100, और जो ये मल्टी कलर है ये आपको मिलेगी 150 में, ठीक है। ये 100 वाली कर दी है, विदाउट स्टोन वाली, जो ये वाली कटिंग है ना, ये 100 की कर दी है। और क्रिस्टल के कड़ों में भी आपके 100 के कर दिए हैं, तो पूरा सावन का आप लुत्फ़ उठाइए, जम के पहनिए इनको, देखिए ये 100 में कर दी है, ठीक है। जो ये वाली डिज़ाइन है ना, ये वाली सारे 100 में मिल जाएगी आपको। इसमें और भी कलर हैं मेरे पास, ये पूरे पूरे भर पड़े हैं, लेकिन एक एक मैं नहीं खोल पाऊँगी क्योंकि जो मैंने पहले कलर दिखाए थे वीडियोज़ में, वो सारे कलर इनमें मिल जाएंगे, ठीक है। 100 वाले कड़े भी मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें डालू कड़े भी है, अपने कटिंग वाले कड़े भी है। और ये अपने पास आए हैं आज, ये वापस तो क्या दूर के हैं, 120 की है पेयर अपनी, बहुत ही यूनिक सा कड़ा है। कोई भी आप क्रिस्टल के साथ भी इनको वेयर कर सकते हो, कोई भी डालू कड़ा लगा लीजिए, आगे ये जोड़ की तरह लगा लीजिए। क्रिस्टल का एक कड़ा लगा के मैं इनका सेट बहुत सुंदर लगा के बताऊँगी आपको, ठीक है। तो ये भी अपने पास आ गया, साइज़ 24, 26, 28, तीनों साइज आपको इसमें मिल जाएगी। 120 रुपये की रहेगी आपकी ये बूर की पेयर, ठीक है। और एक अपना जो ये वाले चूड़े थे ना, 100 का चूड़ा, 100 वाला, ये भी मेरे पास वापस रीस्टॉक में आ गया है। मल्टी कलर है, किसी को भी लेना है तो स्क्रीन पे नंबर है, वही मेरे ऑर्डर प्लेस नंबर है, फटाफट से अपना ऑर्डर बुक करवाइए और अपना चूड़ा अपने नाम करिए। लेमिनेशन का है, 100 का है, अगर आपको किसी को देना है तो भी ले सकते हो। और तीज के हिसाब से जिनको भी क्रिस्टल में, मतलब लेने देने के हिसाब से भी बैंगल्स चाहिए तो आप ले सकते हो। एक तेलंगाना से आज एक डी का मैसेज आया था कि मुझे 60 पेयर चाहिए क्रिस्टल में, देने लेने के हिसाब से, मतलब उनको गेस्ट को गिफ्ट करना है सावन में, तो आप इस तरीके से किसी को गिफ्ट देना है तो साइज़ सारी अवेलेबल मिल जाएगी। जितना भी चाहिए आपको कलेक्शन, जितना भी चाहिए मिल जाएगा। जिसमें भी मतलब आपको चाहिए कि भाई मुझे इसमें 10 पेयर चाहिए, 26 का 10 जोड़ चाहिए, चार चूड़ी में, तो भी मिल जाएगी। जितना भी कलेक्शन चाहिए आपको, पूरा का पूरा स्टॉक में आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको साइज़ 24, 26, 28, तीन साइज़ आपको इसमें मिल जाएगी। अब तक जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो रह गए हैं जिन्होंने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया कलेक्शन आए, सुंदर आए, सस्ता आए, अच्छा आए जोधपुर का, सबसे पहले आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाकी इस तरीके के ब्राइडल चूड़ों में भी बहुत सारा कलेक्शन है मेरे पास, हर तरह के चूड़ों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने शॉप में भी थोड़ी रखी है, बहुत बिजी हूँ, कस्टमरों का ये भी शिकायत है कि आप रिप्लाई नहीं करते हो टाइम पे, आप मैसेज नहीं देखते हो, तो हुक्म हमारा राखी का बहुत बड़ा यहाँ त्यौहार मनाते हैं, तो हमने राखी की सेल डाली है, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ उसमें। अगर आपको टाइम पे रिप्लाई, देखो करती तो हूँ, बट जिनको टाइम पे नहीं मिलता है थोड़ा सा आप सस्पेंस रखिएगा। और एक मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्या बताऊं मैं बहुत सोची बहुत बताऊं या नहीं बताऊं आप लोगों को, पर यार बताना तो पड़ेगा ना, मेरी जो शॉप है ना मुझे करवा रहे हैं खाली। हाँ जी हाँ, मेरी जो शॉप है रेंट पे है, जो मैंने एक बार पहले भी वीडियो में बताया था कि जो मेरी शॉप थी, 3 साल तक मैंने मतलब उस शॉप में अपना टाइम दिया, टाइम निकाला, बहुत अच्छे से मैंने उनको, क्या बताऊँ मैं, तो फिर 3 साल के बाद मुझे जो है उस शॉप से खाली करवा दिया कि भाई हम खुद करेंगे, आप शॉप खाली कर दीजिए। फिर 4 शॉप छोड़ के आगे
चार शॉप आगे मैंने शॉप ये रेंट पे ली थी, सेम उसी साइज की, सेम साइज की बड़ी, ठीक है। तो एक साल ही हुआ है मुझे एग्रीमेंट, अब भी होगा, मतलब एक महीना बचा है, एक दो महीना बचा है। तो बोले कि आप शॉप खाली करिए, हमारे घर में ऐसे ऐसे, मतलब उनकी, मतलब पता नहीं 100-200 मजबूरियाँ गिने कि मेरे ये मजबूरी हो गई, वो हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आप शॉप खाली करो। तो हम तो उसमें भी थोड़ा मैं परेशान हूँ कि भाई अब जो है इतनी बड़ी शॉप है, देखो वहाँ से लगा कि पूरी शॉप भरी पड़ी है, पूरा, अब मैं पूरा दिखाऊंगी ना, पूरा ऐसे भरी पड़ी है पूरी, इधर से उधर ये शॉप जो है मुझे खाली करनी पड़ी। और खाली करके भी देखो, खाली तो कर दें, अगर कोई मतलब बॉक्स है तो देखो, ये बॉक्स समझ लीजिए, ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स को इधर उधर करना आसान रहता है कि भाई चलो बॉक्स खाली करवाने के लिए बोला है तो इस बॉक्स में से कहीं और हटा के रख दे। बताइए अब 50 की शॉप है लंबी, वो फर्नीचर कहाँ डाले, ये इतना सारा जो माल है वो कहाँ डाले। तो ये थोड़ी मेरे साथ हो गई है कि भाई मुझे थोड़ा इसमें भी मेरा टाइम बहुत, मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब है ना कि मैं कस्टमरों को ढंग से अटेंड भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर नहीं भी करूँ, देखो आपको भी नहीं पता है कि आगे वाले की क्या मजबूरी है, अगर आपको मैं बताऊँगी तो ही आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई थोड़ी सी मजबूरी है तो मुझे शॉप देखनी है कहीं। तो उसमें भी थोड़ा मेरा माइंड डिस्टर्ब है कि मैं कहाँ देखूँगी, ये लेके कहाँ जाऊँगी। देखो अब इतने मेरे जो क्या बोलूँ, जो बुजुर्ग है उन्होंने इतना कमा के नहीं रखा है हमारे लिए कि भाई चलो खुद का है कर दें, और इतना भी मैंने आपसे नहीं लिया है, नहीं कमाया है कि मैं खुद का अपना लेके ऐसा करूं। तो अगर खुद का लेने की सोचूं तो करोड़ों में मिलती है यहाँ, और करोड़ों बोलने में भी बहुत, मतलब करोड़ बहुत लगता है, तो देखा ही नहीं है मैंने कभी करोड़, लाख दो लाख भी नहीं देखा, तो करोड़ों का तो बात ही छोड़िए आप। तो उसमें थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब है, तो अगर आपको मैं टाइम पे रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे अपना शॉप देखना है। अब सोच रही हूँ कि मैंने खुद का छोटा सा लिया हुआ है, वो मतलब मार्केट से आउटसाइड एरिया है, पूरा मतलब मार्केट में नहीं है, पूरा आउटसाइड एरिया, वहाँ थोड़ा सस्ता मिला था मुझे, तो मैंने वहाँ मतलब 20-50 का ही है तो वो मैंने खरीद रखा है। तो सोच रही हूँ कि मैं उधर कर लूँ, तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो मैं वहाँ सोच रही हूँ करने के लिए। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अपने खुद में करूँ। देखो अब मेरा तो पूरा का पूरा माइंड ऐसा डिस्टर्ब हुआ है ना कि मैं दूसरों मतलब रेंट पे लेके तो मैं करूँ ही ना शॉप, क्योंकि रेंट पे लेके करते हैं फिर साल दो साल निकालते हैं, फिर खाली करो, ये करो, वो करो, तो जो शॉप में फर्नीचर है डंका करना, ये करना, वो करना, मन ही नहीं करता है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अपने खुद में ही करूँ। देखो अगर आपका प्यार सपोर्ट रहा, आपका साथ रहा, तो ज़रूर मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी, पर यही सोच रही हूँ कि देखो मैं खुद में ही करूँगी। बच्चे भी छोटे हैं तो उनको मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे यहाँ संभालने वाला कोई है नहीं, तो बच्चे भी मेरे साथ में रह जाएंगे। और सोच रही हूँ कि अपने खुद वाले में ही कर लूँ, क्योंकि वो आउटसाइड में ना, मतलब मार्केट में नहीं है, आउटसाइड में, तो चलो कोई नहीं, सोच रही हूँ कि उसी में ही अपना कर लूँ, छोटा मोटा जो भी जैसा भी है उसी में कर लूँ। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ मैं, बहुत परेशान हूँ रियल में, बहुत 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 ज़्यादा परेशान हूँ। दो दिन पहले ही आके मतलब पूरे शॉप में कस्टमर भर रहे थे, तो आके डायरेक्ट बोल दिया कि आपको महीने दो महीने का टाइम है, अगर आपको नहीं मिले कहीं तो एक दो महीना टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो, बाकी आपके पास दो महीने का टाइम है। तो क्या कहूँ, बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप तो मेरी क्या हेल्प कर सकते हो, बस दुआ करना मेरे लिए कि मुझे कहीं या तो शॉप मिल जाए ढंग की, पर मुझे करने का मन ही नहीं है, रेंट का तो करने का मन ही नहीं है। देखो छोटा सा हो ना, 10-20 मतलब 10-20 फुट का हो तो सोचूंगी फर्नीचर इधर उधर ले जाऊँ, बट इतना बड़ा मुझे सोचने में भी बहुत टाइम लगता है। इसमें भी जो हमने इधर उधर किया था ना, तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, बहुत माइंड डिस्टर्ब हुआ था, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगा था, खर्चा भी मेरा 2-3 लाख का है, वो खर्चा भी मुझे अभी खर्चा भी मेरा पूरा नहीं हुआ है, भी खाली करवा रहे हैं, पर क्या करें किस्मत के आगे, ठीक है। वो ये जो मैंने सारी कही ना, मैंने बहुत बकवास कर लिया यार आपका, बहुत टाइम मैंने बहुत पका लिया आपको, ये सारी 100-100 की है हुकुम, तो मुझे खाली करनी ही है शॉप, तो मुझे थोड़ा स्टॉक भी तो कम करना है, पूरी मैंने इतनी शॉप में पूरी इतना स्टॉक भर लिया है ना, मत पूछिए। ये 100 की पेयर पड़ेगी, ये सारे 100-100 पेयर पड़ेंगे आपके,
ये भी 100 की पेयर पड़ेगी, ये भी 100 की पेयर पड़ेगी। मेरा खुद का भी माइंड काम नहीं कर रहा है, मैं कर क्या रही हूँ, बोल क्या रही हूँ, बता क्या रही हूँ। ये भी 100 की पड़ेगी, ये भी 100 की, ये 150 की पड़ेगी। नुकसान है, लॉस है, जो भी है, बस किस्मत के भरोसे ये 150 की है, ठीक है। तो जो भी आपको जितने भी ये देख रहे हो ना, सारी 100 में सेल ऑफर में ही मिलेगी, ठीक है। अब इस मार्केट में पता नहीं मेरे कोई दुश्मन है यार, कोई देखो जो कोई होता है ना वो मतलब पता है, रात को शॉप दिखती है हमें और सुबह खाली मिलती है कि मतलब दिवाली होके भाग गए। हम करना चाह रहे हैं यार, फिर भी करने लोग नहीं दे रहे हैं। इनको किराया भी हम टाइम पे टाइम देते हैं, इनको बोल भी दिया भाई कि किराया ज़्यादा ले लीजिए, पर नहीं हम खुद करेंगे। जो मेरी पहली बार मुझे खाली करवाई थी ना, तो उस लेडीज ने ही शॉप की है, बेंगल्स की ही शॉप है, तो उसने की है। तो वो बैठी है, करती है क्या नहीं करती है मुझे नहीं आइडिया। और इसमें भी ये वाली शॉप है, इसमें भी लेडीज ही है कि हम खुद करेंगे, या तो कोई मार्केट में है कि भाई नहीं इनको खाली करवाया जाए, या फिर है कोई ऐसा कि भाई इनको नहीं रहना ही नहीं है मार्केट में, तो चलो उनकी भी खुशी पूरी की जाए, उनकी जो इच्छा है वो पूरी की जाए। तो आपकी क्या इच्छा है ज़रूर मुझे बताइएगा, और अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, आपका प्यार ऐसा ही रहेगा, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ तो करूँगी, नहीं तो फिर मैं यूट्यूब का पूरा बंद कर दूँगी, छोटी मोटी कहीं शॉप खोल के बैठ जाऊँगी। एक इन चूड़ों में भी आपको कुछ लगे तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। ये 100-200 वाले, ये मैंने सबको मना किया था, ये 4-4 चूड़ियों का, ये 100 का चूड़ा पड़ेगा, 28 का साइज है, ये 200 का चूड़ा है, पूरा चूड़ा ब्राइडल मल्टी 200 का, जो बूर के चूड़े ना वो 200 का, बाकी 100 में मिल जाएंगे आपको। जो बूर के दिख रहे ना वो 200 है, और जो लेमिनेशन में दिख रहे ना आपको 100 में मिल जाएंगे। किसी का भी स्क्रीनशॉट की इसी को मतलब देने लेने के हिसाब से भी चाहिए ना, तो आप ले सकते हो, ठीक है। साइजें मैं किसी में भी श्योर नहीं हूँ कि सब में साइजें हैं, किसी में भी साइज परफेक्ट नहीं है। आपको कोई भी इनमें से पसंद आ जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि भाई मुझे ये वाला साइज मेरा है, इसमें साइज है या नहीं, होगा तो मैं बता दूंगी, नहीं होगा तो भी मैं बता दूंगी, ठीक है। और थोड़ा सा प्यार सपोर्ट ऐसे ही, जैसे अभी आप प्यार और सपोर्ट दे रहे हो ना, आगे भी बनाए रखना आपको। अगर आपको मेरे बैंगल्स अच्छे लग रहे हो तो, अगर मैं नहीं बोलूँगी ज़बरदस्ती कि कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर मेरे से बैंगल्स लो, अगर आपको जिसने भी मेरे से ख़रीदा है जिनको अच्छा लगे उनके लिए बोल रही हूँ, जो नए हैं मेरे लिए, जो मेरे कस्टमर नए हैं उनको तो मैं क्या ही बोलूँ, उनको तो सब यार देखो बहुत सारे ऐसे कस्टमर बोलते हैं कि हम पेमेंट करें आएगा कि हमारा नहीं आएगा, हमें बैंगल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो देखो हुक्म, जिनको विश्वास है वही लीजिएगा, क्योंकि एक गंदी मछली की मतलब एक जो तालाब की गंदी मछली होती है ना, सब उनको बर्बाद करते हैं, मतलब सबका ऐसा ही रहता है कि भाई नहीं हमारे साथ एक बार धोखा हुआ है तो शायद होगा, अगर किसी को लगे तो ही लीजिएगा। बाकी जिनको लेना है, जो हमेशा लेते हैं वो तो कस्टमर, उनको पता ही है क्वालिटी कैसी है, रेट कैसी है, चीज़ कैसी है, ठीक है। ये पूरा शॉप के लिए मतलब ऑफलाइन जो कस्टमर होते हैं ना हमारे, यहाँ डांटते कि आप सब ऑनलाइन वालों को देते हो हमें देते नहीं हो, तो ये अगर आपको लगे तो सबसे पहले आप इनमें से निकाल देना, बाकी मैं क्या बोलूँ, ठीक है। कुछ गलत बोल दिया है तो इग्नोर मार दीजिएगा, सुन के अनसुना कर दीजिएगा, ठीक है।